हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, ये मेरा गांव का पहला फर्स्ट व्लॉग वीडियो है। और मेरे गांव में गाइज बहुत ही रहस्यमयी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूं। देखिए, आपको हम बता दें कि मेरे पास ट्राइपॉड भी है, फ़ोन भी है। बहुत सारे लोग पास ये सब कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वो लोग व्लॉग वीडियो शूट करते हैं और वायरल भी होता है और उन्हें उनकी मेहनत का फल भी मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल था, मैं 2019 से ही उस चैनल पे काम कर रहा था। उसका नाम था आदि टेक व्लॉग, जिसपे 7 लाख सब्सक्राइबर्स थे। बट किसी ने फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया और वो चैनल मेरा जो है डिलीट हो चुका है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो चैनल मेरा अब तक लौट नहीं पाया है। मैं उसके बारे में पूरा आपको डिटेल बताऊंगा एक व्लॉग वीडियो दूसरा शूट करके। फिलहाल मैं भी अब अपना पैशन स्टार्ट कर दिया हूँ, कहीं भी घूमने जाता हूँ तो व्लॉग वीडियो शूट करके अपलोड करता हूँ। लेकिन अभी मैं मुंबई से लखनऊ आया, लखनऊ से गोरखपुर आया और उसके बाद अपने गाँव में आया। गाँव में आने के बाद गाइज बहुत ही सुकून मिलता है, क्योंकि बहुत सारी यादें जो हैं यहाँ से जुड़ी होती हैं। यहाँ की स्कूल कॉलेज और अपना एक होता है कि जब हम लोग स्कूल कॉलेज से आते थे तो खेलने के लिए आते थे, वो इसी ग्राउंड पे हम लोग आते थे। देखिए, अभी भी कुछ छोटे बच्चे वहाँ पे ना क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो गाइज ये सब देख के कहीं ना कहीं जो मन है ना बहुत उछल उठता है, क्योंकि वो सब हम लोग अब छोड़ चुके हैं। और पीछे देखिए, गांव में ये सब जो है गेहूं की बुआई हुई है, उधर गेहूं उग भी गए हैं, इधर बाद में लेट में बुआई हुई है। तो ये सब देख के मन को बहुत ही अच्छा लगता है, तसल्ली मिलता है कि हाँ, ये असल में गांव गांव ही होता है। और हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये मठ दुर्वासा है मेरे गाँव का नाम, और पीछे मंदिर है और उसके जो बाबा रहते थे पहले, उनकी वहाँ पर समाधि है, उनके माता पिता की समाधि है, फिर उनकी समाधि बगल में है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सब कुछ दिखाऊंगा। गाइज, अभी हम अपने गांव के मठ पे, इसको हम लोग मठ कहते हैं, तो यहां पर हम मौजूद हैं। और पीछे बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं और वहां महुआ का पेड़ है और उसके नीचे देखिए अलाव जलाकर वो लोग सेक भी रहे हैं, क्योंकि यहां पर ठंडी का मौसम है और शाम का टाइम हो चुका है। सूर्य भगवान अब अस्त भी हो चुके हैं, लेकिन बच्चों का गेम अभी जारी है। तो देखिए किस प्रकार से गाँव में बच्चे आनंद उठाते हैं। वहाँ पर क्रिकेट भी हो रहा है और अलाव भी सेका जा रहा है। जिसको ठंडी लग रही है वो जाके अलाव सेक रहा है। गाइज, अभी ठंडी का टाइम है और देखिए बच्चे वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। यही हम लोगों का ग्राउंड है, जब हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं तो इसी पिच पे खेलते हैं। और काफ़ी लंबा ग्राउंड है यहाँ पर, जो भी जैसे ये घास वगैरह उगी रहती है इसको हम लोग जला देते हैं। और ठंडी के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी मज़ा आता है। ये देखिए हमारे गुरुदेव की समाधि है, जो यहाँ पर गुरु जी वास करते थे, लेकिन अभी ये समाधि काफ़ी उजड़ चुकी है, पुरानी हो चुकी है। और ये प्राइमरी स्कूल है हमारे गाँव का। और ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जंगल है, इसके बीच में तालाब है। और यहाँ से देखिए इसके पीछे हमारा गाँव है, हम आपके अपने गांव का भी वीडियो आपको दिखाएंगे। और देखिए पूरा दूर दूर तक आप लोग नज़र दौड़ाएंगे तो आपको खेत ही खेत नज़र आएगा। वहां पर बगल में दूसरा गांव है, इधर ऐसा होता है एक गांव होता है उसके जस्ट बाजू में दूसरा गांव होता है, लेकिन हमारे गांव से वो गांव दूर है। तो देखिए उधर भी जंगल है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं बागीचा, लेकिन एक प्रकार से ये जंगल ही है, क्योंकि यहाँ पर सभी जानवर पाए जाते हैं, मतलब तेंदुआ, बंसुअरा, ये भी खतरनाक ही जानवर हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए क्या नज़ारा है, कितना सुंदर लग रहा है। और गाइज वहाँ पर पीछे एक तालाब है जो बहुत ही बड़ा और गहरा तालाब है, और उसमें बहुत ही कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आपको बता दें, कहा जाता है कि जो यहाँ के बाबा थे उन्होंने एक मछली पकड़ी और उसको एक सोने की जो नाक में पहनाने वाला था उसको पहना के उसमें छोड़ दिया मछली को। और उसमें पानी रहे या ना रहे, कहीं से भी मछली आए या ना रहे, लेकिन उसमें मछलियाँ पानी आने के बाद आ जाती हैं। और बहुत ही गहरा तालाब है, तो मैं आपको सब कुछ इस चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। गाइज बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का व्लॉग वीडियो बनाते हैं, लेकिन सबसे रियल होता है जो अपने रियल लाइफ से व्लॉग वीडियो शूट करके आपको दिखाए कि हाँ हम लोग कैसे रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग शहर में जाके वीडियो बनाते हैं, गांव का बनाते हैं, तो ये सभी लोग पसंद आता है कि वो लोग रियल लाइफ में आखिर क्या करते हैं। गाइज मैंने भी यूट्यूब पर बहुत काम किया है, 3-4 साल लगातार काम किया है और बहुत सारा मतलब देखा है कि यूट्यूब पर किस तरह से काम होता है। तो देखिए वहाँ पर बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, देखने में कितना अच्छा लगता है। गाइज हम लोग भी जब छोटे थे, जब कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो पढ़ के आने के बाद ना खाना खाने के बाद हम लोग यही फील्ड में आते थे। और ये हमारे गांव का कुछ बाहर का नज़ारा है, जहां पे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं खड़ा होके। ये मेरा गांव का प्राइमरी स्कूल है जहां पर बच्चे आते हैं पढ़ने, लेकिन अब तो काफ़ी कम हो गए हैं। और मेरे गाँव में ना गाइज बहुत ही घने घने जंगल हैं, जहाँ पर तेंदुआ और कहते हैं बंसुअरा जो वन में रहते हैं जंगल में, वो सब इन जंगलों में देखने को मिलते हैं। बाकी
पीछे भी मेरे जंगल है उसमें भी देखने को मिलता है, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध भगवान का मंदिर है, जैसे जोगीवीर बाबा, समय माता, वामेती माता, बहुत सारे लोगों का मंदिर है, सब कुछ दिखाऊंगा। उम्मीद करूंगा गाइस ये वीडियो छोटी सी थी लेकिन आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि मेरे भी रियल लाइफ में बहुत भी अनहोनी हुआ है। इस समय मेरा जो चैनल था 7 लाख सब्सक्राइबर्स थे वो डिलीट हो चुका है, लेकिन मैं अभी हार मानने वाला नहीं हूँ। मैं अपना व्लॉग वीडियो स्टार्ट कर दिया हूँ और इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलेगी। मैं गोरखपुर जाऊँ, लखनऊ जाऊँ या गाँव पे रहूँ, पर डे मैं क्या करता हूँ, मेरी रियल लाइफ कैसी है, सब कुछ इसी चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। तो गाइज उम्मीद करूंगा ये छोटा सा व्लॉग वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।